मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देवेंद्र जी, फडणवीस साहब यहाँ है, उनके सभी सहयोगी है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। शिवसेना के 40 विधायक और इंडिपेंडेंट जो है, ऐसे कुल मिलाकर 50 विधायक जो है, वो आज हम लोग सब एक साथ हैं। आप सब लोग जानते हो, पिछले कई दिनों से हम लोग आपसे भी बातचीत कर रहे, लगातार हम लोगों ने हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्म में आनंद के हिसाब से जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं। मैंने तो पहले जाहिर किया था, मैं ऐसा जो कर रहा हूँ ये मुझे किसी चीज की वह आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब लोग, अभी तक की कई घटनाएं आप लोगों ने देखी है कि अपोजिशन में से रूलिंग की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग रूलिंग में थे, रूलिंग पार्टी में थे, सत्ता पक्ष में थे। मैं भी नगर विकास मंत्री, मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक जो 50 की संख्या में है, ये सब 50 लोगों ने एक वैचारिक भूमिका लेकर इस राज्य के हित की बात, इस राज्य के विकास की बात, और जो उनके चुनाव क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो समस्याएं खड़ी हो रही है, कल चुनाव में जितने का जितना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जो अन्य पक्ष है, मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अन्य पक्षों के माध्यम से उनके चुनाव क्षेत्र में जो कठिनाई पैदा हो रही है, उनको जो प्रॉब्लम खड़ी हो रहे, और भविष्य में उनका जो मतदाता है जिन्होंने उनको चुन के दिया है, उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाए तो चुनाव कैसे लड़े, उनको कैसे फेस करे, ऐसी दुविधा में वो सब पड़े थे। और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ने बार बार कोशिश की कि इसके साथ ये इसमें करेक्शन हो जाए। जो हम लोग पहले अलायंस में चुनाव लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये नेचुरल अलायंस है, तो नेचुरल अलायंस के खिलाफ होकर हम लोग ये महाविकास आघाड़ी भी है। अब कुछ करेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा और दोनों विचारधारा वाली पार्टी जो है इस राज्य का विकास करेगी। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी को, क्योंकि मंत्री हम लोग थे ही, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ, ये निर्णय जो हुआ एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है, इसे हम एजेंडा ये आगे लेके जा रहे थे। और आज मैं धन्यवाद दूंगा, देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे, ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है, ये तो मुख्यमंत्री पद है। और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद, और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूँ। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल, एक मिसाल होगी, और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है।
और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके सभी सहयोगी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक है उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंत प्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष उन्होंने जो विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग साफ करने की कोशिश करेंगे। और जो 40 और 10 50 विधायक जो है उनके बलबूते पर ये हम लोग यहाँ तक लड़ाई लड़ी है, एक वैचारिक लड़ाई है। और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि एक तरफ पूरी सत्ता है, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ बड़े बड़े नेता है। मैं तो उनके सामने एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन 50 लोगों ने मुझ पर जो विश्वास और जो भरोसा जताया है उसे कभी भी मैं बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं, उस पर खरोच भी नहीं मैं आने दूंगा। और उनको पहले जो अनुभव आया है पिछले 2.5 साल में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी भी मैं पूरी तरह खबरदारी लूंगा, इतना ही मैं कहूँगा। और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है विकास के लिए हम सब आप, लेकिन हमारे साथ रहिए।